आगे बढ़ें और अहम खबर आपको दें। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से डेफिड पाकिस्तान के सरबरा की मुलाकात हुई है। पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन से जारी मंसूबों पर बातचीत भी की गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं, इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा इस मुलाकात में कौन कौन शरीक था और कैसा रहा इसका अहवाल? आज बिल्कुल, डेफ्ट पाकिस्तान की सरबराह जोआना रीड की मुलाकात सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान से हुई है, जिसमें पंजाब बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाना चाहता है। इस वाले से सीनियर वजीर पंजाब ने उनके साथ तआवुन करते हुए बातचीत करते हुए कहा कि हर शोबे में कारकर्दगी बेहतर बनाने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। तरजीहात का तय्यन हो चुका है, अब अमल दरामद का टास्क पूरा करेंगे। सीनियर वजीर का इस पर यह भी कहना था कि पंजाब में माली हालात बेहतर नहीं थे, ADB कम करना पड़ी, अक्सर मसाइल माली बहरान के बाइस हैं, बेहतरी की तरफ गामजन है, सब्सिडी वाले मंसूबे बड़ा बोझ हैं, हल तलाश कर रहे हैं। अब्दुल अलीम खान का यह भी कहना है कि आइंदा 6 माह में वाज़ेह फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ लाहौर की सफाई के लिए सवा अरब रुपए का मुहाना खर्च किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता हुकूमत ने मनमानियां करके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। नया बलदियाती निजाम सूबे में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाएगा, जबकि विलेज काउंसिल के जरिए 25,000 देहातों में बैक वक्त तरक्की आएगी। बलदियाती बिल कानूनी मराहल में है, जल्द पेश कर सकता हूँ। अलीम खान का यह भी कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन से जारी मंसूबों पर बातचीत कर रहे हैं। आपका इमरान,